योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तरफ से और मैं स्वयं स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री और प्रोटोकॉल स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं उत्तर प्रदेश से आपका हृदय से अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं और आप सभी को भी कुंभ के लिए 15 जनवरी 2019 को जो कुंभ प्रयागराज में प्रारंभ हो रहा है उसके लिए आप सबको आमंत्रित करने आया हूँ। यहाँ महामहिम राज्यपाल को आमंत्रित करके आ रहा हूँ, कल संतों को भी आमंत्रित किया हूँ और ये जो 15 जनवरी 2019 में प्रयागराज में प्रारंभ हो रहा है कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के प्रयासों को जो परंपरा रही है 15 जनवरी 1919 से प्रयागराज में प्रारंभ कुंभ के माध्यम से सर्वसाधारण को अपने अतीत के साथ एक बार फिर जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। देश के अंदर 4 स्थानों पर कुंभ प्रारंभ होता है, पवित्र आयोजन है और प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा ये मेले का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को द्वारा कुंभ की महत्ता को देखते हुए से मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी 16 दिसंबर को और 2008 को प्रयागराज में गंगा जी की आरती को करते हुए कुंभ का शुभारंभ किया है और यह मेला पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस बार सरकार के द्वारा कुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा श्रद्धा भक्ति ऐसे 5000 प्रवासी भाग लेने वाले हैं। संपूर्ण विश्व में मानवता के इस विशालतम समागम में भारत के 6 लाख से अधिक गांवों के लोग इस विश्व में आने वाले श्रद्धालु भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। कुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम पर होता है और यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन करते हैं अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन का अवसर और सुलभ होगा। पहली बार इस कुंभ के मेला में जो व्यवस्था की गई है जल के माध्यम से भी थल के माध्यम से और नभ से आने के पहली बार व्यवस्था की गई है। प्रयागराज कुंभ 2019 का जो आयोजन है समावेशी संस्कृत का प्रतिनिधित्व आयोजन बनाने की परिकल्पना और भारत संस्कृत के उन्नत जीवन आचार और विचार से दुनिया को परिचित कराने का प्रयास इस आयोजन का लक्ष्य है। प्रयागराज में 6 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है और हर वर्ष माघ में मेला लगता है, यानी साल भर में एक बार मेला लगता है। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।